नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कैल्केरिया कॉस्टिका करके एक मदर टिंचर है। तो ये जो मदर टिंचर है ये किस चीज से बनाया जाता है, ये मदर टिंचर आपको किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस कंडीशन में किस डिसीज में ये मेडिसिन ये मदर टिंचर जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो कैल्केरिया कॉस्टिका मदर टिंचर है ये कैल्शियम ऑफ हाइड्रोक्साइड करके एक एलिमेंट है, उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाया गया है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये पानी में इजीली मिक्स हो जाता है और इसकी जो टेस्ट होती है वो बिटर टेस्ट होती है। तो इससे ये जो मदर टिंचर है ये बनाया गया है। तो ये मदर टिंचर कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारी हेल्थ कंडीशन है तो उसमें ये मदर टिंचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी हेल्थ कंडीशन है उधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहले जो है वो है अगर आपको रोमेटिज्म यानी कि संधिवात की तकलीफ है, आपके घुटनों में आपके बड़े ज्वाइंट्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उस वक्त मेडिसिन ये मदर टिंचर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है ये अर्थराइटिस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थराइटिस यानी कि क्या कि आपके जो जोड़े होते हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं तो उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसका अगर संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन को हम अर्थराइटिस बोलते हैं। तो उस अर्थराइटिस की कंडीशन में भी ये मेडिसिन ये मदर टिंचर जो है हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द है, गम्स में बहुत ज्यादा दर्द है तो उसको भी ठीक करने का काम ये मदर टिंचर जो है ये प्लांटिकम मदर टिंचर के जैसे ही आप ये कैल्केरिया कॉस्टिका मदर टिंचर जो है ये आप टूथेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपको स्प्लीन की कुछ तकलीफ है, स्प्लीन के रिलेटेड कुछ परेशानियां है, स्प्लीन का अगर संक्रमण है तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। ये मेडिसिन जो है तो इसमें एक एंटी बैक्टीरियल नाम का प्रॉपर्टीज होता है जिससे ये आपके इंटेस्टाइन में आपके आंतों में जो भी वर्म्स होते हैं तो उसको निकालने का काम ये मेडिसिन ये मदर टिंचर जो है ये करता है। साथ ही में अगर आपको एनीमिया यानी कि ब्लड में आपके खून में जो HB लेवल है वो कम हो जाता है तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। अगर आपको एनीमिया से कुछ फटीग यानी कि थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस होता है तो उसको भी निकालने का काम ये मेडिसिन ये मदर टिंचर जो है करता है। तो ये जो मदर टिंचर है इसके की बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अब उसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो पहले जैसे हमने बोला कि टूथेक यानी कि दांत के दर्द में बहुत अच्छी तरीके से ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है। आपका जो भी दांत का दर्द है, कैसा भी दांत का दर्द हो, चाहे वो दांत खराब हो चुका है उसके वजह से दर्द हो या फिर आपने रूट कैनाल किया है उसके वजह से दर्द हो तो उस दर्द को कम करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। इसके साथ ये मेडिसिन क्या करता है कि आपके मुंह में आपके माउथ में आपको म्यूकस कोटिंग बहुत ज्यादा महसूस होती है तो उसको भी निकालने का काम ये मेडिसिन करता है। साथ ही में आपके पेट में अपर एब्डोमेन यानी कि ऊपरी का जो एब्डोमेन है आपका उधर बहुत ज्यादा दर्द आपको होता है, आपके स्प्लीन का अगर आपको इन्फ्लेमेशन या फिर प्रदाह हो जाता है, साथ ही में लिवर का भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वक्त भी ये मदर टिंचर जो है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही में अगर आपको एब्डोमेन में बहुत ज्यादा दर्द है, आपको मितली की तकलीफ है, वोमिटिंग की तकलीफ है तो उस तकलीफों को दूर करने का काम ये मेडिसिन करता है। और आपको क्रॉनिक यानी कि बहुत पुराना डायरिया है, बहुत पुराने दस्त की तकलीफ है और वो ठीक नहीं हो पाते है, और साथ ही में आपका स्प्लीन जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है जिसे हम हाइपरस्प्लेनिज्म बोलते हैं यानी कि स्प्लीन की जो साइज है वो बहुत बड़ी हो चुकी है और वो नहीं कम हो रही है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये मदर टिंचर जो है ये बहुत अच्छी तरीके से वहां पर आप इस्तेमाल करके आपके स्प्लीन की जो भी तकलीफें हैं, हाइपरस्प्लेनिज्म की जो तकलीफें हैं वो आप कम कर सकते हैं। इसके साथ आपको हिमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स की तकलीफ है और वहां पर आपको रेक्टल पेन यानी कि गुदा के यहाँ बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है, जब भी आप स्टूल पास करते हो वहां पर बर्निंग पेन महसूस होता है तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। और बवासीर में बहुत ही उपयुक्त ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप
आपके जो मसल्स होते हैं यानी कि मांसपेशियां जो होती है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस की तकलीफ है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि आपको संधिवात या फिर अर्थराइटिस की गठिया की तकलीफ है, तो उस गठिया को ठीक करने का काम भी ये मेडिसिन जो है ये करता है। अगर आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ तकलीफें है, आपके गले में इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस इन्फेक्शन को भी कम करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। ये जो मदर टिंचर है कैल्किरिया पॉस्टिका, इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये मदर टिंचर फॉर्म में आता है, आपको नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी में भी मिल जाएगा। ये मेडिसिन जो है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसके 3 या 5 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसे दिन में आप ये मेडिसिन 3 बार लेते हैं तो आपकी जो भी तकलीफें होती है, जैसे कि पाइल्स की तकलीफें है या फिर हाइपरस्प्लेनिज्म, यानी कि आपका स्प्लीन जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो ऐसी तकलीफें है, आपके आंतों में, आपके इंटेस्टाइन में वर्म्स जैसी तकलीफें है, या फिर आपके मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है, या फिर आपको इरेक्टल के यहाँ पर, आपके गुदा के यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द है, आपको संधिवात या फिर अर्थराइटिस जैसी तकलीफें है, तो उस तकलीफों को दूर करने का काम आपके टूथेक यानी कि आपके दांत का दर्द जो है उसको दूर करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो मदर टिंचर है, इसके बारे में डिटेल में अपने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी ऐसी तकलीफें हैं तो उस तकलीफों को सॉल्व करने में ये मेडिसिन और ये वीडियो दोनों मददगार रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।